बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। और दुआ वही है कि हमारे देखने वाले, हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और हमारे अजीज़ो कारब चाहने वाले सब जहां भी रहें खुश रहें और अल्लाह उनको अपनी नेमतों से फैज़याब करता रहे। ये देखें, आमना भी आ गई है, आप बाहर खेलती हुई, और इस वक्त सांस इसको चढ़ गया है। आज हफ्ते का दिन है, आज हफ्ते का दिन है, यानी कि ईद का तीसरा रोज़, और ये सारे जो हैं दो दिन के बाद वापस आए हैं घर, अम्मी के घर से। हाँ जी, अम्मी, अपनी अम्मी के घर से, मतलब मेरे ससुराल से। ईदी कट्ठी बड़ी की थी और खाई भी बहुत है इसने की थी। अच्छा, चलो ठीक है, मुंह लाल हो गया। और आप घर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब हम करने लगे हैं जी घर में कुछ खाने पकाने की तैयारी, और इसके अलावा हमारे आ रहे हैं कुछ मेहमान। अभी तो पहले ये जो दिख रहे हैं कपड़े शपड़े, ये उठाने मैंने फटाफट कमरे में सफाई कर रही हूँ मैं, उसके बाद फिर बाकी जो रूटीन है वो भी आपके साथ। वो आमना देखे क्या कर रही है, इस मुंह में इतना कुछ गया है। ईद का दिन सो के गुजरा, और ईद का नेक्स्ट डे जो है वो भी अपना कुछ बारिश इंजॉय की, कुछ धूप बर्दाश्त की, और उसके अलावा आधा दिन सोए और आधा दिन घूमते घुमाते गुजर गया। अब तीसरा दिन था, सुबह इनको लेने गया हूँ, अभी लेके आया हूँ, और इन्होंने भी मेहर बननी है कि हूँ वापस एक घर आ गए ने। ये जो इन्होंने लैन चाहिए ना, जो इन्हें जाना होता है ना उत्थे, उदों तैयार होंगे ने शूटर, और शूटर समझते ना टाइप बट दड़ 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 जल्दी जल्दी तैयार। जिदन इन्होंने उत्थों घर आना होंगे ना, यकीन करो मैं जाके बैठ जाता कि चलो यार चलिए, इन्होंने तैयार हो गया होंगे तीन चार घंटे लाने होंगे, मिनट लाया तैयार होने का, मुँह धोता मुँह धोता चलो ये आ गए घर। जो इन्होंने आना होंगे ना उतो अपना अपने पेक्यो वापस घर, उदन इन्होंने निकलदिया निकलदिया सवेर नु बुला लैन गिया जी असीं अज तैयार आ जाइयो, ओ शाम पा दें। मकलावा लैन गया ऑफिस में जाना सी सुबह कोई 10-11 बजे के करीब, मैनू इन्होंने कहा कि ठीक है सुबह सुबह ही आ जाइए फिर चले जाओ। अच्छा मैं चला गया करीब करीब घर से, मैं जाके बैठ गया, खाना वाना खाता, नाश्ता नुश्ता किया, बाद मैं चलो चलिए हाँ हमने चलते हैं हमने चलते हैं ये करते हैं वो करते हैं, घंटा डेढ़ मेरा जाया हो गया। मैं यार मैं ऑफिस भी जाना है, तो बाद चो मैं कहें कि तुम इंज करो ऑफिस तो हो के आए फिर चले जाए। मैं क्या ऑफिस तो मैं रात नू आना है, तो मेरी मासी मैंने कहती पुत्र इन्हें रात में ही जाना है, ऐ तेनू ना इन्हें पूरा दिन इतने बिठाई रखे ना, तो मेरा पुत तू दफ्तर जाना है, तो जहाँ दफ्तर होया जिनी देर अपने काम तो वापस नहीं आना, इन्हें कोई नहीं जाना, इन्हें तेन अजी कपाई जाने। मैं वापस मैं दफ्तर चला गया, दफ्तरों वापस आया, फिर आया, और फिर भी जो दफ्तरों वापस आया ना आगे तैयार करवाया, तो फिर मैं लैके उदो आया, हूँ भी अंजी कर दी। आमना ने घर आके ये झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके भैया आ रहे हैं ना, आपी भी आ रही है, मरियम आपी आ रही है, ठीक है, यूसुफ भाई आ रहे हैं इसके साथ, अहमद भाई और हरून भाई आ रहे हैं, इसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और ये देखें अब्दुल्ला ये बाहर खेल रहा है रेहान और रेहाम के साथ। वाह जी वाह, ये साइकिलें निकाल रही हैं इसने बाहर, ये दो दिन घर पे नहीं था। हाँ जी दोस्त कैसे हो, क्या कर रहे हो? अरे ये देखो बाहर खड़े है, ये मेरा प्यारा सा दोस्त है रेहाम, और रेहाम मेरा दोस्त। अच्छा ये दोस्त, चलो खेलो खेलो, ये खेल रहे ये आप ही ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, आप ही डस्ट सारी आ रही इधर से, आप सिर्फ इसको लगा रहा झाड़ू।
चल ये लगा दे, ये आप ही ने सफाई शुरू, जल्दी 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 जल्दी। की कर रही है इस टाइम? भाई मेहमान आ गए हैं। ओ भाई तेरा होएगा भी और दोबारा बोल। तेनू नहीं भाई क्या? मैंने कहा भाई मेहमान आ गए ने। अच्छा तू समझ तेनू भाई कह के मैं अपना अपने बच्चे बतीता बता तेनू तो भाई कहना गुनाह हो गया। की बनाने लगी? बिरयानी बनाने लगी। चलो भी छेती बनाओ, भूख मैनू भी लगी। नोरिया बैठा हरून यूसुफ भाई ते है गया इज्जत करते हैं जी अहमद रजा बस है। वैसे तो बंदे ने जी हरकत की है ना शहजादा, और वो बैठी आमना शहजादी। बुढ़े पर क्या कर रहे हैं ना कि गए ए जड़ा ना अहमद इन्हें अचानक मारिया छापा। इन्हू मैं कहा सी कि यार पहले फोन कर दी दस दई क्योंकि मामी तेरी ने गए उधर जाना अम्मी नहीं अम्मी यार इस बगैर ने पता कितों फोन किया मैनू पूरे टाइम तक 20 मिनट पहले कि बस इसी घरों निकल आए तो आ रहे जी। हाँ फिर अहमद हाँ जी ज़्यादा खूबसूरत कौन है? हरून भाई। ये पापा बना रहे हैं। हेलो पापा जी। क्या कर रहे हो? बिरयानी पक रही। बिरयानी? बिरयानी पक रही है जी। ये मैंने आगे आ दिखाऊं? आओ आ गए। प्याज ब्राउन किया उसके बाद इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं ठीक है, और साथ डाल दिया चिकन, और अब इसकी हो रही है बनाई। और ये तेरी मम्मा ने आई है शिमला मिर्च पा दी और ही डाल दूं शिमला मिर्च। ये क्या को कर रहे हैं? बस ये उबाल आ गया इसको। उबाला? हाँ जी उबाल आ गया। उसमें चावल डाल दिए। चावल डाल चावल डालेंगे इसके बाद समझो चावल कुछ ही देर में तैयार। चलो पीछे चावल आ गए। चावल की मदद से चलो डाल दूँ चावल। बिरयानी खा रहे हो? ये चावल डाल रही है मम्मा। छानी छानी को आ रही है ज़्यादा बेहतर नहीं छानना बिरयानी चली गई दम ते। ये दम लगा लिया बिरयानी को और भुख भी जबरदस्त किस्म की लगी है। मैनू नहीं सारे कलिया सबन बड़ी भुख लगी हुई है। हरून भुख लगी है। हाँ भी अहमद कैसे सी भुख लगी है? हाँ तेन लगी भुख? वैसे तेरे ना सही हुई है फिर जे तेन भुख लगी है। यूसुफ ने भुख लगी है पर चलो बस पक रहा दम ते आ गए ना चावल। वैसे इतना सही हुई है इन्हें टाइम मैं एक दिन पहले दसदा पिया कहता मामू जी मैं एक दिन पहले तुम दसांगा तो फिर असं मैं दसा इन्ने बजे आ रहे थे इन्हें की दसिया मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले कि मामू जी असं आ गए। क्या तू क्या कर रही है? तेन क्या है भूत इधर बनदिया पे भलिया? हाँ जी टिक्कियां बनिया पे उसमें। हाँ कितना टाइम है? बस हो गया। चल कर दे यार बड़ी भूख लगी है। दम पे बस चावल दम पे है दम ही है बस दम हो गया सब्जी सारी चीजें तैयार है। दम हम दम लग गया लिखा है और अब इसको दम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत बहुत लगता है। माशाल्लाह खाना तैयार हो गया। अच्छा ये हमने शुरू करना था पहले कि जब ये सारा सर्व करते ना तब बताते। अब मसला अब भूख ज़्यादा लगी थी। ये अहमद को बड़ी भूख लगी थी। ये बैठा है ना कि लगा के अहमद
तो अहमद ने अब जब पेट में गया कुछ, फिर उसकी वो होस्ट कहानी आई है तो कहता जी वो 20 लाख तो बनाया ही नहीं है, वो दस दो के चलो मद्दा माल चुक लिया, लेकिन हूँ खा रहे माशाल्लाह खाना खा रहे हूँ। अच्छा साडा वड्डा पुत्र है हरून। हाँ जी हरून बेटा जी दसो बिरयानी कैसी पक्की है? शहजादा मेनू तेरा पुत्र पिछो पता जबरदस्त नहीं भले मजदार बने ना माशाल्लाह। आपने बिरयानी सही बनाई? हाँ आपने बिरयानी सही बनाई, लेकिन जलाई है वो। नहीं जलाई तुझी भेजो। मैं अपनी तरीफ कर रहा हूँ, मैनू ज्यादा भूख लगी थी खुशबू के नाल ही खाने में। ये मेरा बड़ा भाई है, इसके टेस्ट मरे हुए कुछ नहीं है चलेगा। और मेरा ख्याल है कि इत ही इस वीलॉग नू करनी आ फिनिश। और चलो जी भाई जी बोलो फिर अल्लाह हाफिज़।